हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक्स एक्ट और उसके बेसिक सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे सेप टूल के फ्लाई आउट में मौजूद कुछ टूल्स के बारे में। उस टूल की बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, आगे हमें पड़ेगी। तो दोस्तों, इन सभी टूल को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रा पर और समझते हैं इन सभी टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये है कोरल ड्रा और यहां से हमने पिछले वीडियो में समझा था स्मूथ टूल, स्मिल टूल और ट्विरल टूल के बारे में। और आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे ये अट्रैक्ट टूल, रिपेल टूल और स्मग टूल और रफन टूल के बारे में। तो ये बहुत ही काम के टूल हैं, इनकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आगे चल करके। तो इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इसको किसी कलर से फिल करते हैं और उस पर हम जो है इसे समझते हैं। तो सबसे पहला जो टूल है हमारा वो है आज के लिए अट्रैक्ट टूल। अट्रैक्ट टूल में क्या है कि जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऊपर इसके प्रॉपर्टी में आ जाएगा इसका साइज पहले में, और यानी कि निब का साइज, और उसके बाद जो है इसका रेट, टाइमिंग रेट। तो जैसे हम यहाँ पर जो साइज़ है हम इसी पर देखते हैं। तो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर हमारा ये जो निब के जो प्लस पॉइंट है अगर वो बाहर की तरफ है, यानी कि लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो अब इस वक्त क्या होगा कि बाहर की तरफ रखते हुए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जब हम नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो वो इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली ये टाइमिंग थोड़ा सा कम है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। मान लीजिए हमने 50 पर कर लिया, तो अब क्या होगा कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ से हमने एक हमने बनाया ये ऑप्शन इस तरीके से, और दूसरा जो है हम इसी टूल से इस तरीके से। तो दोनों ही चीज़ हमने, यानी कि दोनों ही जो ऑब्जेक्ट में हमने खींचा वो एक ही टूल से खींचा, लेकिन एक बड़ा बना और एक ये छोटा बना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर मायने रखता है टाइमिंग। जो ये टाइमिंग है वो आपके ड्रैग करने का टाइमिंग है, यानी कि जो आप ड्रैग करके लेकर के आ रहे हैं वो कितना स्लोली कर रहे हैं और कितना फास्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने फर्स्ट किया, थोड़ा धीरे धीरे हम ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली, तो अब ये जो है इसका जो डीप है ये काफ़ी दूर तक जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। और अगर इसी को हम सेकेंड ऑप्शन में अगर हम फास्ट करते हैं, इस तरीके से हमने फास्ट किया, तो अब ये इसका डीप बहुत ही कम रह गया, थोड़ा सा अगर और हम इसको फास्ट करते तो इस तरीके से डीप थोड़ा सा। तो ये जो टाइमिंग है वो आपके ड्रैग करने की टाइमिंग है, उसको आप कम ज़्यादा करके आप जो है यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। और ये जो अगर आप ये प्लस पॉइंट को बाहर अगर रखते हुए अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर की तरफ आएगा, और इसी प्लस पॉइंट को अगर आप अंदर की तरफ करते हैं तो अब ये बाहर की तरफ जाएगा, इस तरीके से। तो ये आगे हमारी ड्राइंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, हम आगे जब वर्क करेंगे तो इसको समझेंगे, इस टाइप के वर्किंग को हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे चल करके। तो इन सभी टूल को जब आप समझे रहेंगे तो जो भी मैं वर्क करूँगा आगे चल करके तो आप जो है बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि एक्चुअली हमने किया क्या। तो इस टूल का सिर्फ इतना ही वर्क होता है, और आगे चल करके हम देखेंगे कि इसका जो है एक्चुअल ऑब्जेक्ट में हम क्या यूज़ कर पाते हैं। तो हम कंट्रोल प्लस जेड करते हैं और अगले टूल को समझते हैं। इससे अगला जो टूल है वो है रिपेल टूल। इसका यूज़ बहुत ही बेहतर है, जैसे पहले हम इसका यूज़ देख लेते हैं। इसी साइज पर आप ये देख पा रहे हैं साइज 0.5 इंच है और टाइमिंग इसका 50 है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर हम यहीं पर अगर जो प्लस पॉइंट है नीब का अगर हम लाइन से ऊपर रखते हैं और हमें कुछ भी करना नहीं है, बस माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है, तो आप ये देख सकते हैं जो नीब का साइज है, राउंडनेस है, उतना जो है इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया। और उसी प्रकार नेक्स्ट टाइम में अगर हम उस प्लस पॉइंट के बिल्कुल सेंटर पॉइंट को अगर हम थोड़ा सा अंदर रखते हैं और उस वक्त अगर हम प्रेस करके रखते हैं
तो क्या होगा, ये जो है बाहर की तरफ लाइन जाएगा इस तरीके से। और ये चीज जो है आप एक लाइनिंग पर भी कर पाएंगे, जैसे मान लीजिए ये एक लाइनिंग है और इस लाइन को हम कर्व करना चाहते हैं कई बार, तो उसके लिए भी हम इसको अप्लाई करेंगे। तो लाइन के अगर नीचे रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा, लाइन के ऊपर रखेंगे तो ये जो है फिर नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से कर्व अगर हमको कई सारे बनाने होते हैं तो कई सारे हमको नोट्स बनाना पड़ेगा और बार बार जो है उसे हमें कर्व करके यानी कन्वर्ट टू कर्व करके हमें बार बार उसको सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कई सारे हमको कर्व इस तरीके का चाहिए तो वहाँ पर ये टूल बहुत ही काफ़ी यूज़ होता है। तो हम इसे डिलीट करते हैं या फिर कंट्रोल जेड करते हैं, वापिस आते हैं और आगे की प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो आगे की प्रॉपर्टी में सिर्फ टाइमिंग है, तो ये टाइमिंग क्या करता है, जो टाइमिंग ये हो रहा है, ये टाइमिंग यानी कि ड्रॉ होने का टाइमिंग, वो टाइमिंग कम ज़्यादा ये होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको बढ़ाते हैं आगे 90 के आसपास कर देते हैं तो क्या होगा, अब जो है यही टाइमिंग बहुत ही फास्ट होगा, ये बहुत ही फास्ट हुआ। तो सिर्फ इसका इतना ही काम है, यानी कि ये साइज और जो है आगे ये रेट, इसका इतना ही यूज़ है। कंट्रोल जेड करते हैं और अगली प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्मग टूल। स्मग टूल का क्या यूज़ है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं आगे इसका साइज़ है, जैसे हम लोगों ने सभी में देखा 0.5 हम इसका साइज़ रखते हैं ताकि स्पेस मिले हमें, और इसको हम आगे समझते हैं। उसके बाद जो है ये है इसका एंगल, अगर हम इसको कम ज़्यादा करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये मतलब कितना डिग्री इसका एंगल होना चाहिए, यानी कि अंडाकार जो बनना हुआ है वो चेंज होगा। अगर हम इसको 50 करते हैं तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल 50% है, अगर हम इसको 100 कर देते हैं तो ये बिल्कुल जो है ये राउंड हो जाएगा। तो इसको जो है 45 करके रखते हुए हम आगे समझते हैं, और ये जो है ये क्या करेगा, ये एंगल बिल्कुल खड़ा था यानी कि जो ये शेप था बिल्कुल खड़ा था, अब इसको जो है थोड़ा सा रोटेट कर रहा है। तो अगर रोटेशन की ज़रूरत है तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाएंगे। और उसके बाद बाहर की तरफ से अगर हम अंदर की तरफ आते हैं, सॉरी बिल्कुल बाहर की तरफ से, तो ये इस तरीके से ये जो है कट करेगा बिल्कुल बाहर से इस तरीके से, इस तरीके से। और यही चीज अगर हम यहां पर क्या हो रहा है कि आप ये देख पा रहे हैं बिल्कुल बाहर से अगर हम जाते हैं अंदर की तरफ इस तरीके से, तो ये जैसे जैसे शेप है वैसे वैसे आगे ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम ये बढ़ा दें यहां पर इसका ड्राई आउट तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने एड कर दिया, तो जब हम यहाँ से लेकर के चलेंगे जहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इसका छोटा होता चला जाएगा, ब्रश का निब का साइज जो है वो छोटा होता चला जाएगा इस तरीके से देख सकते हैं। अगर ज़्यादा ही स्पीड है इसकी तो थोड़ा कम कर लेते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं यानी कि स्टार्टिंग जो हुआ वो थोड़ा सा बड़े से हुआ और आगे बढ़ते बढ़ते ये जो है छोटा हुआ होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आगे यूज होगा वो हम देखेंगे, अभी हम प्रॉपर तरीके से टूल को समझ लेते हैं। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं और अगला टूल को समझते हैं। उससे अगला जो टूल है वो है रफ एंड टूल। रफ एंड टूल का भी बहुत ही ज्यादा यूज है। उसका क्या यूज है कि जैसे प्रॉपर्टी में देख लेते हैं, इसका साइज जो है निब का साइज हमने 0.5 ही रखा है, और उसके बाद ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिक्स। ये फ्रीक्वेंसी है, इसका क्या यूज है अभी हम समझते हैं। और ये जो है ड्राई आउट है, और ये जो है पेन टिल्ट है, इन सभी को समझते हैं कि ये क्या है। जैसे अभी इस पोजीशन में क्या होगा कि जैसे जब आप नीचे वाला ये पॉइंट लाइन पर रखते हुए बिल्कुल, और जब आप माउस पॉइंटर को क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन, तो इस तरीके से ये डॉट्स बनेगा इस तरीके से, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। यानी कि यहां पर एक है तो एक ये ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ ये टीथ बन रहा है। अगर हम इसी को बढ़ा दें टू कर दें तो क्या होगा, उस वक्त ये जो है दो नीचे की तरफ और दो ऊपर की तरफ बना। तो इसी तरीके से हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं, जितना हमको चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल प्लस जेड करते हैं और
और कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 रखा और यहाँ पर 3 ऊपर और 3 नीचे हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ क्लिक करके छोड़े नहीं माउस पॉइंटर को और हम आगे की तरफ अगर बढ़ते जाएं तो ये परमानेंटली इसी प्रकार से आगे बनता हुआ चला जाएगा, या टीथ इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट, इसका जो टीथ और टीथ के बीच का जो दूरी था वो थोड़ा ज़्यादा है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसकी दूरी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर 5 नंबर दिया हुआ है ड्राई आउट का। अगर हम इसको 0 कर दें तो क्या होगा कि स्टार्टिंग से लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, सेलेक्ट नहीं था सॉरी, इसलिए नहीं हो रहा था। अब यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो यानी कि टीथ और टीथ के बीच का जो दूरी है वो बिल्कुल बराबर होगी। लेकिन अगर इसी को हम यहाँ से जब बढ़ा देंगे, मान लीजिए पहले 5 पर था अभी हमने 8 कर दिया, तो जस्ट हम यहाँ से जब शुरू करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे 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 क्या होगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टीथ और टीथ का बीच का जो दूरी है वो ज़्यादा है, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो दूरी कम होती जा रही है। तो ऐसी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसका यूज़ करेंगे। और उससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो जो है इसका डेप्थ जो आ रहा है गहराई, वो यहाँ से हम मेंटेन कर सकते हैं। जस्ट हम इसको 0 करते हैं और उसके बाद हम समझते हैं। मान लीजिए 45 है तो अगर हम यहाँ पर 60 कर देते हैं तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 60, तो अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 45 पर जो था पहले हम उसको देख लेते हैं, 45 पर ये है, अगर हम इसको बढ़ाते हैं 60 करते हैं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा कम हुआ। अगर हम इसको कम कर देते हैं मान लीजिए 20 कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो है काफी ये डेप्थ जो है ये बढ़ गया, तो उसको हम यहां से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस टाइप की हमें आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसको गहरा करना है तो ये निब की साइज जो है आपको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। इस तरीके से मान लीजिए हम 1 करते हैं और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट रखते हुए और यहाँ से हम करते हैं, तो इस तरीके से ये गहराई इसकी बढ़ गई। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इस तरीके से ये जो है आगे वर्क करेगा। यहाँ पर इसलिए ऐसे हो यूँ हो गया कि ये हमने यहाँ से लिया तो ये मूवमेंट इसका जो है ये ले लिया था, अगर हम बिल्कुल सीधी लाइन पर करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा इस तरीके से। तो इसका भी आगे बहुत ज़्यादा यूज़ है जो हम आगे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टूल्स जो हैं सेफ टूल के फ्लाई आउट में जो मौजूद टूल थे वो सारे के सारे आपके समझ में आया होगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके समझ में सारे टूल आए हैं? अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।